अगर आप फाउंटेन पेन के शौकीन हैं या उनके बारे में जानने की जिज्ञासा रखते हैं तो फाउंटेन पेन रिव्यूज को सब्सक्राइब कीजिए व उसके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं निशांत एक बार फिर हाजिर हूं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर। तो दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं बहुत सारे फाउंटेन पेन और ये ब्रिल कंपनी द्वारा बनाए जाते हैं। 12 रुपए से लेकर के आपको 35 रुपए तक के सारे फाउंटेन पेन मिल जाते हैं, तो बहुत ही सस्ते फाउंटेन पेन है। तो आज इनका हम कंपेरिजन करने वाले हैं, कुछ सिमिलरिटी डिसिमिलरिटी देखने वाले हैं। सबसे सुंदर फाउंटेन पेन इसमें से कौन सा है, कौन सा सबसे ज़्यादा मैं प्रीफर करता हूँ चलाने के मामले में, और कौन सा फाउंटेन पेन आपको इस्तेमाल करना चाहिए एज ए स्टूडेंट, ये सभी बातें हम देखने वाले हैं आगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जल्दी से हम निकाल लेते हैं इनको, एक एक करके सब फाउंटेन पेन्स को निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने सारे फाउंटेन पेन हैं, इतने सारे फाउंटेन पेन हैं, पॉलीथीन्स में है, निकाल लेते हैं फटाफट हम लोग। तो सब पोलोथीन में से निकालने के बाद, जो इनके कवरिंग थी उसमें से निकालने के बाद, ये सारे के सारे फाउंटेन पेन हैं। तो इनमें से सबसे सुंदर जो फाउंटेन पेन है वो मैं बताता हूँ मुझे कौन कौन से लगे हैं। एक ये फाउंटेन पेन, दूसरा ये फाउंटेन पेन, और तीसरा ये फाउंटेन पेन, और चौथा ये फाउंटेन पेन, और अगर मुझे पाँचवा चुनना हो तो मुझे देखने से ये अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, ये पाँच फाउंटेन पेन मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लगे हैं। ये देखिए, ये पांच फाउंटेन पेन, अगर आप बाहर से देखेंगे तो इन फाउंटेन पेन को आप पसंद कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो फाउंटेन पेन में हमें देखनी होंगी। तो चलिए अब नेक्स्ट लेवल पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट लेवल हम देखते हैं कंपैरिजन। तो मैं कंपेयर करता हूँ इनको कैमलिन के। तीन फाउंटेन पेन मुझे ऐसे मिले हैं जो कि कैमलिन की तरह ही हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, ये कैमलिन का 36 है, ये कैमलिन 36 है, और ये देखिए ये है ब्रिल RFP 02। देखिए बिल्कुल सिमिलरिटी, बिल्कुल वही फाउंटेन पेन है, सेम फाउंटेन पेन है। नेक्स्ट जो है वो ये है ब्रिल का RFP 005, और ये है कैमलिन का 2R। तो बिल्कुल देखिए सिमिलरिटी आपको बिल्कुल सेम मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये है कैमलिन का 11R, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप, और ये है ब्रिल का 99W। तो ये बिल्कुल मतलब सिर्फ एक ट्रांसपेरेंट पोर्शन छोड़ करके बाकी सारी चीज़ें आपको बिल्कुल सिमिलर मिल जाती हैं। तो दोस्तों, अगर हम इन सभी फाउंटेन पेन्स के बारे में एक एक कर में डिटेल में देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाने वाला है। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी हर एक फाउंटेन पेन का एक आउटर स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं, और ये किस नंबर से मिलता है वो सब देख लेते हैं, और निब कैसा है वो आपको जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूँ कैसे हैं सब। ये थे सारे आपके फाउंटेन पेन। अब हम जो है इनके राइटिंग टेस्ट ले लेते हैं कि ये चलने में चल, पहले तो ये देखेंगे कि भाई चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, इंक विंक डिलीवरी इनमें हो रही है कि नहीं हो रही है, और फिर देखेंगे कि इनमें से कौन सा फाउंटेन पेन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, इन सारे फाउंटेन पेन में अब हम इंक भरने के बाद आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, इंक भरने के बाद हमने सब फाउंटेन पेन तैयार कर लिए हैं। तो अभी हम एक राइटिंग सैंपल लेते हैं, कौन कौन से फाउंटेन पेन इनमें चल रहे हैं, कौन से फाउंटेन पेन नहीं चल रहे हैं, और स्मूथनेस वगैरह कितनी इन सारे फाउंटेन पेन्स की है।
तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि लिखावट इसमें अलग अलग तरह की मिल जाती है, कुछ आपको स्मूथ मिलेंगे, कुछ इसमें एक दो स्क्रैची भी हैं, वेट फाउंटेन पेन है, ड्राई फाउंटेन पेन है, सब तरह का एक्सपीरियंस आपको इसमें मिल जाता है। तो इनमें से जो सबसे बेहतरीन मुझे फाउंटेन पेन लगे हैं वो मेरे हिसाब से ये फाउंटेन पेन है। ये फाउंटेन पेन RFP 006 ट्रांसपेरेंट बैरल के साथ आता है और देखने में और लुक वाइज बेहतरीन है, क्लासिकल लुक के साथ आपको मिलता है और इसमें इसकी लिखावट स्मूथ और फाइन आपको मिल जाती है। तो ये एक मेरी चॉइस होगी। दूसरी मेरी चॉइस है ये वाला फाउंटेन पेन CFP 105, बेहतरीन बैलेंस स्मूथ एंड वेरी गुड फाउंटेन पेन। यहाँ पे देखिए इस तरह की लिखाई इसमें, इसका जो इंक डिलीवरी है एकदम परफेक्ट है। इस तरह का फाउंटेन पेन आप किसी भी तरह के पेपर पे के ऊपर चला सकते हैं। दूसरी चॉइस मेरी ये है। तीसरी चॉइस है मेरी ब्रिल 99W, ये भी क्लासिकल लुक, इसी तरीके का लुक इसमें मिल जाता है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये भी बहुत बेहतरीन फाउंटेन पेन है। प्लेटिनम के निब के साथ आता है, फाइन पॉइंट के साथ, ये भी आप फाउंटेन पेन खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मेरी चॉइस है RFP 009, ये बच्चों के हिसाब से मतलब थोड़ा सा लुक इसका ट्रेंडी सा है और कुछ कुछ इन्होंने बनाया हुआ है इस पर। ऊपर की तरफ एल्यूमिनियम की कवरिंग है और ये निब इसका देखिए, ये काफ़ी स्मूथ फाउंटेन पेन है लेकिन पतली इसकी ग्रिप है, ये एक इसका नेगेटिव पॉइंट है। तो ये फाउंटेन पेन भी मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। ये है ब्रिल CFP 107, यहाँ पे देख सकते हैं स्मूथ और बैलेंस फाउंटेन पेन है, लुक वाइज भी बहुत बेहतरीन मेरे को ये फाउंटेन पेन अभी लग रहा है। इसमें देखिए थोड़ा सा ब्लैक नीचे की तरफ, ब्लैक प्लास्टिक बैरल, ऊपर की तरफ ये शाइनी इसके ऊपर जो कोटिंग की गई है वो दो रिंग, तो ये भी एक अच्छा फाउंटेन पेन साबित हो सकता है। और चूंकि मेन तो मैंने इनका जो राइटिंग एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से चुना है, तो ये भी फाउंटेन पेन आप खरीद सकते हैं। कैमलिन 36 की ये कॉपी है। नेक्स्ट है ये यूरो ब्रिल यूरो, इसकी क्लिप मुझे बहुत बढ़िया लगी है, ब्लैक और येलो का ये कॉम्बिनेशन भी मेरे को बहुत अच्छा लगा है और इसका निब भी MB निब है, प्लेटिनम का निब है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छा बेहतरीन फाउंटेन पेन है। हालांकि ये सारे फाउंटेन पेन मोस्टली अच्छे ही फाउंटेन पेन है, इसमें से कुछ भी आप ये चाहें कि इसमें से कुछ डिस्कार्ड करना हो तो मैं ऐसा आपको नहीं बोलूँगा। इनमें से जो मतलब वेट हैं वो हो सकता है कि आप जो है उनको ना चुने, क्योंकि उसकी वजह से पीछे की तरफ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। लेकिन तो इनमें ये देखिए जो वेट फाउंटेन पेन है उसका पीछे की तरफ थोड़ा बहुत आपको निशान मिल जाते हैं। इसमें से जो मेनली हैं ऊपर के तीन फाउंटेन पेन ये हैं और इसमें RFP 105 जो वेट फाउंटेन पेन है इसका आपको ज़्यादा मिल जाता है। फिर आपको ब्रिल RFP 011, ये काफ़ी पीछे की तरफ इसमें ब्लीडिंग के साइन मिलते हैं। और नीचे जो आपका ब्रिल 63AD है, ये 63AD है, इसके ज़्यादा साइन मिलते हैं। K3 के भी मिलते हैं, यूरो के भी कम हैं, लेकिन कम हैं। तो दोस्तों आप अपने हिसाब से भी इसमें फाउंटेन पेन चुन सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ब्लाइंडली इनमें से कोई भी फाउंटेन पेन खरीदना है तो CFP, ये यहाँ पे नंबर देख लीजिए CFP, इस सीरीज़ के फाउंटेन पेन आप ब्लाइंडली इनमें से खरीद सकते हैं और बाकी जो मैंने इसका एनालिसिस किया है उसके आधार पे भी आप फाउंटेन पेन खरीद सकते हैं। ये था मेरा आज का वीडियो। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर इसको शेयर कीजिए, स्टूडेंट के लिए बहुत ही बेहतरीन ये वीडियो है और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ये फाउंटेन पेन खरीद सकते हैं क्योंकि इतने सस्ते फाउंटेन पेन हैं, आप इनको लेकर के चला सकते हैं। थोड़ी सी मशक्कत इनमें इंक डिलीवरी में आती है, वो पानी के अंदर आप डुबोइए, डिप कीजिए एक बार और फिर ट्राई कीजिए तो ये फाउंटेन पेन चल पड़ते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर करना ना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।